आप सब लोग। तो दोस्तों आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही खाने के, आज मैं आंवले का पानी बना रही हूँ जो हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं आंवला का पानी। तो यहाँ पर 2 केजी मैंने आंवला मेरे हस्बैंड जाकर के लेके आए हैं आज ही सुबह। मंडे को मार्केट लगता है इधर करोल बाग तरफ, और वहाँ पर सभी मतलब सब्जियाँ ताजे मिलते हैं फ्रेश। तो वहाँ से ये 2 केजी आंवला लेके आए हैं। ये आंवला जो है इसको मैंने पहले साबुत इसको कढ़ाई धो लिया था, और इस तरीके से मैंने कट कर रही है छोटे छोटे पीसेस में। ये कट करने में मेरे हस्बैंड जी भी मदद किए हैं। तो यहाँ पर मैंने आंवला को कट कर लिया है। तो यहाँ पर आंवला को मैंने यहाँ पर ले लिया इस तरीके से कट करके। दोस्तों ये देखिए, साथ में यहाँ पर सबसे पहले हम आंवला का जो है इसका अंदर वाला जो हिस्सा था गुठली, उसको मैंने निकाल करके साइड में रख दिया, और इस तरह से कट कर लिया हम दोनों ने मिल करके। और यहाँ पर एक बड़ा वाला मिक्सी जार ले लेंगे, इसमें डाल करके थोड़ा थोड़ा करके पानी वगैरह नहीं डालेंगे पीसते वक्त, बगैर पानी का हम पीसें क्योंकि आंवला में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो इसमें हम पीसते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब इसमें हम ढक्कन लगा करके और इसको हम पीस लेंगे सभी आंवला को, जितना काट करके रखें उतना। यहाँ पर मैंने पहला पीस करके रेडी कर लिया है दोस्तों, और यहाँ पर ऐसे मतलब पिसा रहा था, उतना सही से नहीं पिसा रहा था। तो यहाँ पर मैं पानी भी एक गिलास लेके बैठी थी, तो इसमें 2-3 चम्मच करीबन पानी डाल करके मैंने इसको पीस लिया है। तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल करके आप पीस सकते हैं, क्योंकि ऐसे उतना अच्छा से नहीं पिसाता है, आप पानी डाल के पीस करके रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पहला पीस करके रेडी कर लिया, तो बाकी का इसी तरह से हम पीस करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, मैंने आंवला को पीस लिया है। आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करते में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पीस लिया है। तो ये देखिए पीस करके रेडी कर लिया है, अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने गैस पर पतीला में पानी डाल करके रख दिया था, ये देखिए। इससे मैंने 2 केटली गर्म पानी करके इसमें पतीले में डाली हूँ। अब ये जो आंवला जो हमने पीस करके रेडी किया था, अब इसको यहाँ पर हम डाल देंगे, और इसको हमें मीडियम लो आंच में कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक इसको मीडियम लो आंच में इसको पकाना है इसको, तभी इसका पानी बॉइल करना है यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा तक मीडियम लो आंच में। और ये मतलब उबल करके आधा पानी जब हो जाएगा उसके बाद हम इसको। तो यहाँ पर दोस्तों ये पतीला थोड़ा सा छोटा पड़ गया था और ये पूरा ऊपर आ गया था। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 2 पतीला का इस्तेमाल किया, एक तो इधर है और दूसरा इधर मैंने एक और पतीला चढ़ा दिया है। तो दोनों में मतलब मैंने आधे से हल्का सा ज़्यादा मैंने रखा है, ये देखिए पानी यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है दोस्तों इस वाले केटली से 3 केटली। तो दोनों पतीले में एक एक केटली मैंने पानी डाला है, और हाफ हाफ केटली और मैंने दोनों में डाला है दोनों पतीले में, ये देखिए। तो ये जो है, और यहाँ पर आंच को देखिए दोस्तों मैंने मीडियम लो में रखा है, इसको मीडियम लो आंच में इसको हमें यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा करीबन यहाँ पर हमें पानी में उबालना है इसको। ये दूसरे पतीला वाला भी आंच को ये देखिए दोस्तों मैंने मीडियम लो में रखा है, क्योंकि इसको जितना आप मीडियम लो आंच में पकाएंगे ना इसको मतलब पानी में उबालेंगे 1 से 1.5 घंटा तक, इसका जो आंवले का जो पानी बन करके रेडी होगा ना, उसे आप बालों में लगाएंगे झड़ना टूटना ऐसे सब मतलब रोक देता है दोस्तों, और बाल भी काले होते हैं, बाल को मजबूती मिलता है ये आंवला का पानी से। तो आज मैं यही बना रही हूँ दोस्तों आंवला का पानी स्पेशल बालों के लिए। यहाँ पर आप रख दिया है दोस्तों दोनों तरफ दोनों चूल्हे पर पतीला को, दोनों पतीलों को। अब इसको 1 से 1.5 घंटा तक इसको अच्छे से लो आंच में हम इसको बॉईल होने देते हैं। अभी जो ये आंवला का टक्सर दिख रहा है इस तरीके से ना दोस्तों, अभी 1-1.5 घंटे के बाद देखिएगा जैसे जैसे ये पानी मतलब बॉईल होता रहेगा वैसे वैसे ये पानी का कलर मतलब कैसे डिफरेंट लगेगा दिखने में। तो ये देखिएगा बहुत ही फायदेमंद होता है ये आंवला का पानी स्पेशली बालों के लिए। अभी यहाँ पर टाइम हो रहा दोस्तों 11:05 और मोबाइल में हो रहा 11:03। तो यहाँ पर हमें इसको 1 से 1.5 घंटा तक हमें पकाना है, यानी 11 से 12 घंटे और 12 से 12.5 यानी 1.5 घंटे तक हमें इसको पकाना है। और ये देखिए दोस्तों अभी 1.25 घंटा हो रहा है अभी। तो यहाँ पर ये देखिए किस तरह से इसका मतलब टेक्सचर दिख रहे हैं, मतलब इसको बॉईल करते इसको हमें आधा पानी इसको हमें सुखाना है, पूरा आधा पानी
ये बॉल होते होते जैसे जैसे मतलब ये धीरे धीरे बॉल होता रहेगा, इसका पानी थोड़ा कम होता जाएगा। हमें इसका पानी, आंवला का पानी आधा रखना, इतना इतना रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए, अभी ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन ये बालों के लिए बहुत मतलब फायदेमंद है ये आंवला का पानी। तो चलते हैं, इसको आधा पौना घंटा और हम पका लेते हैं। इसको हमें बीच बीच में चलाते रहना है इस तरीके से। ये देखिए, इसका पानी जब आप बालों में लगाते हो तो जड़े तो मजबूत होती है दोस्तों, बालों भी झड़ना बंद हो जाता है, टूटना भी बंद हो जाता है, और हमें जड़ों की, बालों की जड़ों की मजबूती मिलती है दोस्तों, बाल भी काले होते हैं। तो ये देखिए, कुछ आंवले के टुकड़े रह गए थे पिसते वक्त, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर सारा पानी में आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1.5 से 2 घंटा हो गया है, मैंने आधा घंटा और इसको पानी में बॉइल किया है, ये आंवला पानी और बॉइल किया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए कितना पानी मतलब कम हो गया है, ये देखिए हो गया है ना आधा पानी। और ये पानी जब आप बालों में लगाएंगे ना, तो मैं क्या बताऊँ आपको, आपको खुद मतलब फर्क बुझाएगा ये लगाने से। आप सुबह इसको लगा लीजिए 2 घंटा पहले, और उसके बाद आप माथा धो करके नहा लीजिए। इसको ज़्यादा देर तक रखना भी नहीं है, बस 2 घंटा लगा करके रख लीजिए 2 घंटा पहले, उसके बाद आप नहा लीजिए। तो ये रेडी हो गया, तो हम गैस को कर देते हैं बंद, और इधर वाले भी मतलब रेडी है, आधा पानी कम हो गया इसमें। 1 से मतलब 2 घंटा इसको मैंने मीडियम लो आँच में इसको अच्छे से पानी में बॉईल कर लिया है आंवला को, ये देखिए। और ये दोनों रेडी हो गया है, तो अब हम गैस को बंद कर दिया और इसको पंखा के नीचे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने पंखे के नीचे यहाँ पर रख दिया है, किचन से निकाल करके दूसरे रूम में ठंडा होने के लिए। तो ये जो पानी है आंवला का पानी, और इधर मैंने ले लिया है एक और पतीला बड़ा सा, और यहाँ पर इस तरीके का मैंने छन्नी ले लिया है, देखिए। अब इसमें हम ये जो पानी है इसको हम छान लेते हैं, ये देखिए, छान करके इस पतीले में हम रख देंगे दोनों पतीला वाला पानी को, और इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक पतीला वाला पानी पूरा इसमें दूसरे पतीले में ट्रांसफर कर लिया है, और ये जो है ये बचा हुआ आंवला का, ये इसको हम, इसे जब ठंडा हो जाएगा फिर हम कपड़े में रख के, कॉटन के कपड़े में, और इसका एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा निचोड़ करके इसी में हम रख लेंगे, ताकि इसको हम साइड वाला बर्तन में रखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों पतीला का पानी इसको निकाल करके दूसरे पतीले में रख लिया है, और मतलब 3 थर्मस मैंने पानी डाला था गर्म करके ये आंवला को उबालने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मुझे लगता है ये 1 थर्मस पानी यहाँ पर बचा हुआ है, और आधा एक गिलास थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 घंटे करीबन आंवला को उबाला है दोस्तों, और ये देखिए इसको छान लिया है, तब ये थोड़ा सा गर्म है। तो ये जब ठंडा हो जाएगा फिर हम कॉटन के कपड़े में डाल करके, इसका पानी है अभी इसमें काफ़ी, तो इसको भी पानी निकाल कर ये इस पतीला में हम रख लेंगे। और ये पानी को यहाँ पर इस तरह से हम बीच में चला देंगे, और इसको पंखे के नीचे हम रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, इसका पानी, ये बालों के लिए बहुत ही मतलब दवा है ये आंवला का पानी, बहुत ही फायदा है ये आंवला का पानी बालों के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूरा पानी को छान लिया दोस्तों, और ये देखिए अभी हल्का सा मतलब ये गुनगुना है, ज़्यादा नहीं गर्म है, हल्का सा बस। और ये जो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा ले रखा है, इस कपड़े से मैंने सारा इसका एक्स्ट्रा जो ये आंवला था मैंने निचोड़ लिया है कपड़ों से, ये देखिए, और इसको इधर साइड में हमने रख दिया है। और ये जो पानी है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये 2 फ्रूटी वाले कोको कोला वाला बोतल, ये देखिए। जब ये पानी पूरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इस बोतल में भर करके, और इसको हम फ्रीजर में रख दीजिए, और आप जब भी आप नहाने जाएंगे उसके 2 घंटा पहले आप बालों में लगा लीजिए, और उसके बाद आप बाल धो करके नहा लीजिए। तो यहाँ पर मैं टच करके दिखाती हूँ दोस्तों, ये देखिए मैं उंगली यहाँ पर रखी हूँ, मतलब पानी लगभग ठंडा हो गया, बस हल्का सा पतीला हल्का गर्म लग रहा है बाहर से, लेकिन ये पानी ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कि ये स्प्रे वाला बोतल, इसमें मैं गुलाब जल लाई थी दोस्तों, तो ये पूरा खत्म हो गया, तो इसमें मैं एक आपको भर करके अभी दिखा रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर ये पानी को, ये ठंडा हो गया है, तो हम बाकी बोतल में भर करके रख देंगे, और इस तरह से इसमें हम ढक्कन लगा देंगे इसमें, ये देखिए। और इसको हम, ये देखिए अभी ये पानी ठंडा हो गया है, तो मैं अपने बालों में लगा करके देख रही हूँ, वैसे ऐसे ऐसे करके लगाएंगे जड़ों में ना बालों में, तो एक तो हमारे बाल के लिए इतना फायदेमंद है ये आंवला का पानी,
बाल आपका झड़ना भी बंद हो जाएगा, टूटना भी बंद हो जाएगा, और इससे बाल मतलब काले भी हो जाएंगे, शाइनिंग मानेंगे बालों में से, और लंबे भी होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमारा आंवला का पानी बालों के लिए स्पेशल दवाई भी आप बोल सकते हैं, बालों के लिए रामबाण इलाज है ये आंवला का पानी। तो यहाँ पर हमारा ये रेडी हो गया आंवला का पानी। तो हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी ठंडा हो गया था आंवला पानी, तो मैंने दो बोतल में भर करके रख दिया। एक तो पूरी भर गई है और एक में इतना हो गया है, आधा से थोड़ा ज्यादा। तो दोस्तों, मेरी ये बालों के लिए आंवला पानी बन करके रेडी हो गया है दोस्तों। तो ये मतलब तरीका आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्यारे से कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।